राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2020 में उच्चतम न्यायालय की रोक के बाद चुनाव होने का इंतजार कर रहे प्रत्याशी किस राजनीति में व्यस्त हैं, आओ मिलते हैं संदीप ढिल्लो जो ग्राम पंचायत 3 SDR में सरपंच उम्मीदवार हैं। तो संदीप जी, आपका द एफ न्यूज पर सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद स्वामी जी, और मैं तमाम एफ न्यूज के साथियों का जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उनका सबका मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपको। तो संदीप जी, जैसे कि उच्चतम न्यायालय की रोक चुनाव पे लगी है, तो उसके बाद की आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक बार रोक लगाई चुनाव को, 17 जनवरी को होने वाले जो पंचायती राज चुनाव थे गंगानगर जिले की कृष्णा पंचायत समिति के, उस पर रोक लगी है। तो कहीं ना कहीं सभी जो पंच के प्रत्याशी हैं या सरपंच के प्रत्याशी हैं थोड़े आहत हुए हैं, क्योंकि जो उनकी रणनीतियाँ बनाई हुई थी, तैयारियाँ थी, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें जो जोश थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि अभी कोई तिथि तय नहीं हो पाई है। तो आप अभी अपने आप को कहाँ समझ रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, पिछले कई सालों से मैं चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। मैं मेरा इच्छा है, मेरा सपना है कि अगर गढ़सणा की जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो सरपंच बनके एक मिसाल पेश करने का सपना है कि गढ़सणा को एक शानदार गढ़सणा बनने का सपना है। और आपका इस चुनाव में सबसे जो बड़ा अनुभव है वो अनुभव क्या आपका? मेरा अनुभव ये रहा कि किसी मध्यम वर्गीय परिवार का बेटा भी चुनाव लड़ सकता है। गढ़सणा के गढ़सणा ग्राम पंचायत 3 SDR जो बड़ी ग्राम पंचायत है गंगानगर जिले की, उसमें मुझे लोकतंत्र जीतता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है जहाँ भी मैं गली मोहल्ले दुकानों पर थड़ी पर बैठता हूँ, और जब लोग बड़े उम्मीदों के साथ संदीप ढिल्लो का नाम लेते हैं और कहते हैं कि हमारी उम्मीदों का जो प्रकाश है, उम्मीदों पर खरा उतरने वाला साथी है वो संदीप ढिल्लो है, तो बड़ी खुशी होती है। लगता है घटना में इस बार लोकतंत्र जीतेगा। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जो जनता का रुझान है आपकी ओर, वो रुझान क्यों है, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, जनता का रुझान मेरी तरफ कई कारण है उसके साथ ही, क्योंकि मैंने कभी जनता से संपर्क नहीं छोड़ा है। 1 नंबर वार्ड से लेकर 21 नंबर वार्ड तक, चाहे ज्वाला कॉलोनी हो, सुरेंद्र सिंह कॉलोनी हो, गुड्डा कॉलोनी, अमर कॉलोनी, भजन कॉलोनी, प्रेम कॉलोनी, जो भी कॉलोनी है घटना के अंदर, चिनिश्चर गांव है या दानमंडी तय बाजारी है, PHD से वाटरवर्क्स तक का जो सिस्टम है, सब में संदीप ढिल्लो हमेशा संपर्क में रहा है। गढ़सणा ग्राम पंचायत 3 SDR की जनता के सुख दुख में संदीप ढिल्लो आगे रहा है, और गढ़सणा के किसी भी सामाजिक या सार्वजनिक कार्यक्रम में मैंने अपने बढ़ चढ़ कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और निश्चित रूप से जनता मुझे लौटा के दे रही है। ये पंचायती राज चुनाव है जो, इनमें सबसे बड़ी ताकत आपकी क्या है? मेरी ताकत जो है वो है मेरी युवा शक्ति, और दूसरा है मेरे मध्यम परिवारों के वो लोग, मध्यम वर्ग परिवार के, जिनको ऐसा लगता है कि शायद अगर संदीप ढिल्लो चुनाव जीतता है तो निश्चित रूप से हमारे परिवारों के साथी भी आगे आने शुरू हो जाएंगे, या किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार का जिसके पास बड़ी पूंजी नहीं है वो भी चुनाव में खड़े होकर अगर काबिलियत है तो अपना हक वो मांग सकता है, और निश्चित रूप से गढ़सणा की जनता इस बार काबिलियत को जिताने वाली है और एक नई मिसाल पूरे क्षेत्र में प्रस्तुत करने वाली है। इन चुनावों में आपका जो चुनाव चिन्ह है बड़ा ही रोचक है, इस चुनाव चिन्ह को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा ही चुनाव चिन्ह घोषणा हुई, चुनाव चिन्ह की कैमरे की घोषणा हुई, तो मेरे सभी साथियों ने फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया के साधनों के माध्यम से उसको इतना प्रचार किया, तरह तरह के गाने प्रस्तुत किए गए, और चुनाव चिन्ह जो कैमरा है मेरा, मैं मानता हूँ कि जो चुनाव चिन्ह है वो ग्राम पंचायत 3 SDR की, जब 17 तारीख, अभी जो तारीख अगर कोई घोषणा होती है उस तारीख को, जब जनता ग्राम पंचायत जनता देवतुल्य जनता मतदाता साथी जब बटन दबाने जाएंगे, तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत की सुंदर तस्वीर खींचने के लिए, एक सुंदर फोटो खींचने के लिए कैमरे का बटन दबेगा, और निश्चित रूप से इस बार बड़ी संख्या में जनता कैमरे का चुनाव चिन्ह पसंद कर रही है और उसका बटन दबाएगी। आखिर में मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि आप की जनता को क्या संदेश? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत 3 SDR का चुनाव चर्चा का विषय है पूरे क्षेत्र के अंदर, कृष्णा पंचायत समिति के अंदर, बाकी क्षेत्रों में भी, क्योंकि यहाँ पर जो मुकाबला है लोग काबिलियत को पसंद कर रहे हैं, लोग मिलनसारिता को तवज्जो दे रहे हैं।